आशिकी आशिकी आशिकी। जैन साहब 11:30 बज के आप अभी तक सोए नहीं? वक्त पे सोया कीजिए। अपना मुंह बंद रखो और दरवाजा खोलो। जगदीश आ रहा है। रा पंक्ति को बोला मुझे पंक्ति से बात करनी है। फोन लाउड स्पीकर पर रखो। जी पंक्ति। पंक्ति ये तोहफा बॉस की तरफ से। कैसी है मेरी बाबू? बाबू को बहुत शौक है ना पार्टीज पर जाने का, लोगों से मिलने का, तो मैंने सोचा किसी और की पार्टी क्यों, तुम्हारी पार्टी करते। और ऐसी ग्रैंड पार्टी करेंगे। आज के बाद बाबू को किसी और पार्टी में जाने का शौक ही नहीं होगा। जय साहब आप भी ना पंक्ति को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। अगर आपकी यही मर्जी है तो घर सजाना शुरू करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी घर पर नहीं, कहीं और होगी। क्यों? घर पर इसलिए नहीं क्योंकि आहान वहां आकर पार्टी का मजा खराब कर देगा। क्या? हाँ, उसने दुबई जाने से मना कर दिया। हे भगवान, इतना बेशर्म लड़का तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुझे भेज कर ही रहूंगा। फिलहाल तो तुम बाबू की बर्थडे पार्टी के लिए जैन साहब हेलो, खोलो पंक्ति। अरे वाह, लोग तो सोने की ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, लेकिन जैन साहब ने तो तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस ही गिफ्ट कर दी। माँ, लेकिन ये ड्रेस तो नाचने वालों की स्टाइल जैसी है। पूर्वा तुम भी ना, तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। मुझे तो ये ड्रेस बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे प्रियंका चोपड़ा ने पहनी थी ना वो हाल ही की मूवी में, बिल्कुल वैसे है ना पंक्ति? बड़े पापा मैं कल दुबई जा रहा हूँ। क्या? जी बाहर जो भी मैंने कहा उसके लिए I'm really sorry, पर मैं दुबई जा रहा हूँ। अरे माय बॉय, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज रखी थी, लेकिन जब तुमने दुबई जाने से मना कर दिया तो मैंने नहीं दिया। एक सेकेंड। शगुन, जब मैं किसी भी नए सिंगर को साइन करता हूँ ना तो उसे ये गुड लक के तौर पर देता हूँ। कहीं इरादा तो नहीं बदल जाएगा? थैंक यू बड़े पापा, यू आर द बेस्ट। यू आर वेलकम। अब जाओ, सो जाओ। वैसे कल किसी की बर्थडे पार्टी है? मेरे एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड की। सो उनको मेरी तरफ से विश कर देना। ओह श्योर, इनफैक्ट उनको तो बहुत खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने विश किया है। राइट, गुड नाइट।
मैसेज है? दी, माँ उठ जाएगी। हमारी माँ नहीं आने वाली है, वो दूध पी के सोने वालों में से नहीं है, वो कुछ और पी के सोती है। वैसे क्या है मैसेज में बताना। रेडियो ऑन करो, रेडियो मुंबई, रिमोट। हमारे साथ है हमारे नेक्स्ट कॉलर और उनके पास है किसी खास के लिए बहुत खास मैसेज। हाय, मेरा नाम अहान है। या, हाय अहान। और मुझे यकीन है कि जिसके लिए मैसेज है वो अपने घर पे वॉल्यूम लो करके रेडियो से कान लगाकर इसे सुन रही होगी। घड़ी की टिक टिक चल रही होगी पर उसका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे होगा। सब कुछ तो उसे कह चुका हूँ फिर भी बार बार कहने का दिल क्यों करता है? उसे बता चुका हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे ये भी बता चुका हूँ कि मैं, मेरा म्यूजिक, मेरे गाने, उसके बिना कुछ भी नहीं है। फिर भी क्यों दिल बार बार करता है उसे कहने का? खैर, इस वक्त, इस लम्हे में मैं उसे ये सब नहीं कहूँगा। मैं बस उसे इतना कहना चाहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू, I wish a very happy birthday to her. अरे वाह! तो हमारे साइड से भी आपको a very happy birthday. तो मैडम जी बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आप? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसके लिए कुछ गाऊं? Great, yeah, yeah. Of course, so start. अपने इन ख्वाबों को तू रातों से रिहा कर दे, सुबह के आसमानों में साथ ने रंग भर दे। हैप्पी बर्थडे। सूरज का रात से होता कब इत्तेफाक है, नदी के किनारों साए तेरा मेरा साथ है। तेरी थैंक यू। एक सेकेंड। आहान, विश कर दिया पंक्ति को? जी माँ, मैं बस वही था, 2 मिनट के लिए मिलने आया था। नहीं आहान, मैंने जो कहा था वो कर और घर वापस आ। पर माँ। आहान। ओके। पंक्ति, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा, मेरी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं दुबई जा रहा हूँ। आहान से उसको दिया हुआ मौका कैसे छीन सकती है? एक तरफ तुम्हारा प्यार और एक तरफ पूरी दुनिया का प्यार। मैं बस जाने से पहले तुम्हें एक बार विश करना चाहता था और अंदर आ गया तो शायद जा ही ना पाऊं। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। Have a safe trip. I love you. I love you too.
अपनी खुशियों को हमेशा के लिए बाय बोल रही है और मुस्कुरा भी रही है। किसने कहा दी? आनंद सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती? वो सेफ रहेगा और जल्दी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। आज तक तुझ पे यही जिंदगी थोपी गई थी और आगे के लिए भी तूने सही क्यों चुन लिया? और हान के लिए चुनिए तो एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत। अगर इतनी बड़ी खुशी मांग लेती ना दी, आहान के साथ एक कर तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती हो जाती। अच्छा ये सब छोड़, यहाँ हैप्पी बर्थडे पंक्ति, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुझे इतनी खुशी मिले कि बड़े से बड़ी खुशी भी तुझे छोटी लगने लगे। हैप्पी बर्थडे। भगवान हमेशा तेरे साथ और तुझे सही रास्ता दिखाए। अच्छा हाँ, तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? तूने पंक्ति से बताया ना कि तू जा रहा है? जी। गुड। आहान अब पर्दे में ही रहना, शिकार तभी बाहर आएगा। बेस्ट ऑफ लक। बस और बोलो मेरे क्यूटी पाई, स्टार बनने की तैयारी कर ली? अच्छा हुआ सही वक्त पर अकल आ गई तुम्हें। अब वहां जाकर कोई बेवकूफी मत करना। कमाल करते हो यार मानव, कभी तो इस बेचारे से प्यार से बात कर लिया करो। इतनी दूर जा रहा है, पता नहीं कब वापस आएगा। अब जाओ अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ो, और हाँ हो सके तो इसको फ्लाइट में बिठा कर आना। पता चला फिर भाई साहब ने इरादा बदल लिया है। भाई साहब आहान को आप जिस तरह भेजना चाह रहे हैं ना, उसे सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये गलती से भी वापस आ गया ना तो इसे आप वापस भेज कर ही दम लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसके करियर को लेकर कह रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब आप लोग बस कीजिए और तुम जल्दी चलो, तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मुझे मीटिंग के लिए जाना, लेट हो जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो आप चले जाइए, उदय मुझे छोड़ देगा। All the best, my boy. क्या यार, मुझे लगा तू मुझे अपने साथ दुबई ले जाएगा। चिल, तुझे यहाँ पे सब संभालना।
पंक्ति कैसी है, आज का क्या प्लान है। मैं केक भेजना चाहता था, इसलिए जानना चाहता था कि वो शाम को कहाँ होगी। बाबू को बहुत शौक है ना पार्टी पर जाने का, लोगों से मिलने का, तो मैंने सोचा किसी और की पार्टी है, तुम्हारी पार्टी करते। मनोत्रा, फार्म हाउस पे पार्टी के लिए केक मत भिजवाना, प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ बॉस। आपका भतीजा एयरपोर्ट ही जा रहा है। मैं उसी के पीछे हूँ। एक काम कर, आगे से राइट ले ले, विक्रोली जाना है। व्हाट? पर क्यों? एयरपोर्ट तो सैंटा क्रूज में है। पर मैं जिसे टेक ऑफ करना चाहता हूँ वो विक्रोली सही होगा। ये राइट सिग्नल क्यों दे रहे? चल। कहाँ जा रहे हो? बॉस कुछ तो गड़बड़ है, ये एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो यू टर्न ले रहा है।